हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लैक्मे ब्लश एंड ग्लो फेस वॉश का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कितने ऑनेस्टली आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा। जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू जो है वो शेयर करती हूँ। जनरली मैं सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर नहीं करती। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ खुद से, उन्हीं प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस रिव्यू वीडियो को देखने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा लैक्मे ब्लश एंड ग्लो जिसमें है स्ट्रॉबेरी का जेल फेस वॉश। ये हमारा जेल टाइप में होगा तो इसलिए इसको जेल फेस वॉश कहा जाता है। तो रिसेंटली इसमें और दूसरा वाला कीवी फेस वॉश भी लॉन्च हुआ है, वो भी बहुत ही बेहतरीन फेस वॉश है, जिसका भी रिव्यू वीडियो अगर हो सके तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। बहुत ही बढ़िया फेस वॉश है ये। इसका मैंने 550 ग्राम्स का ट्यूब ऑलरेडी यूज़ कर लिया था जो कि मेरा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मैंने सोचा कि इसका रिव्यू वीडियो तो आपसे शेयर करना बनता है, जिसके लिए मैंने फिर से 100 ग्राम्स का पैक खरीद लाया लाकर आपके लिए रिव्यू कर रही हूँ इस प्रोडक्ट का, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगा है प्रोडक्ट। तो इसके सारे स्पेसिफिकेशन, सारे वेरिएशंस, सब कुछ मैं इन डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो नाम में ही लिखा है ब्लश एंड ग्लो। ब्लश मतलब आपको तो पता ही होगा कि फेस में जैसे रेड मेकअप करने पर आता है ना, रेड कलर ब्लश, उसको ब्लश बोलते हैं। एंड ग्लो मतलब आपके फेस पर एक इंस्टेंट ग्लो लाएगा ये फेस वॉश, ऐसा लिखा है इस पैक पे। तो बट इसको यूज़ करने के बाद कैसा लगा मैं ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर का फेस वॉश, आपको इसमें कीवी का भी मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया चल रहा है वो। कीवी का भी बहुत अच्छा है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर लीजिए। तो ये पैक है हमारा 100 ग्राम्स का पैक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नेट वेट में आपको दिखाई दे रहा है ना, 100 ग्राम्स का पैक है। और इसका MRP था 205 रुपीज़। आपको 50 ग्राम्स का पैक भी मिल जाएगा जिसका MRP होगा 100+ समथिंग था उसका प्राइस। बट ये थोड़ा मुझे एक बात इसकी ये बुरी लगी कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सारा आपको सब कुछ आपको ऊपर साइड पैनल में दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि इस फेस वॉश की खासियत क्या है, मतलब इस फेस वॉश में है क्या। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इसमें ऐसे क्लेंजिंग बर्ड्स हैं एंड स्ट्रॉबेरी से इन्फ्यूज रही है, एंड आपके स्किन को जेंटली क्लेंज करके और आपके स्किन में लगी हुई सारी डर्ट और पोल्यूशन के रिमूव करके आपके फेस में एक ब्लश लाइक ग्लो लाएगा आपके फेस पर, ये लिखा है इन्होंने। और यहाँ पर यूसेज इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दिए हैं कि आप कैसे यूज़ करें इसको। यहाँ पर मैं आपको जूम में दिखाऊंगी सारे, आप इसको पास करके भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने। तो यहाँ पर कैसे यूज़ करा, कैसे यूज़ किया जाता है इस फेस वॉश को, ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और इस लैक्मे की एक खासियत ये है कि आपको अगर स्क्रब करने का अलग से टाइम नहीं मिलता ना, तो इस फेस वॉश से ना आपके दोनों काम एक ही समय पर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत छोटे से माइक्रो क्रिस्टलाइन बेड्स, छोटे छोटे बेड्स जैसे हैं, जिससे कि आपके फेस पर बहुत ही बढ़िया स्क्रब हो जाएगा। और इसमें आप इंग्रेडिएंट्स में अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इसमें मेंथॉल है, जिसकी वजह से ना आप जब इसको यूज़ करेंगे ना, आपके फेस पर एक ठंडा सा कूलिंग इफेक्ट आपके फेस पर दिखाई देगा। अगर आप यूज़ करेंगे तो पता लगेगा, एकदम बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आपके फेस पर होगा। इसकी वजह है इसमें, इस क्रीम, इस फेस वॉश में ना इन्होंने मेंथॉल का यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपके फेस को ये एकदम कूलिंग इफेक्ट देगा। और इसमें जो बेड्स हैं, मतलब छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स हैं इसमें, मैं आपको दिखा दूँगी इस क्रीम को ओपन करके भी, आप देख सकते हैं ईजीली, जिसकी वजह से ना आपके फेस पर लगा हुआ डर्ट सारा एकदम बढ़िया तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसको अपने हाथ पर लगाकर आपको दिखा रही हूँ, रुकिए, ऐसे ही नहीं दिखेगा। इसमें जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, एकदम माइनर पार्टिकल्स होंगे इसमें, इसीलिए मैं एकदम जूम में लाकर आपको दिखा रही हूँ। देख रहे हैं आप, इसमें छोटे छोटे रेड कलर पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ना, देखिए ठीक से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए, रेड कलर
छोटे छोटे एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं ना, वो पार्टिकल्स यहाँ पर हमारे लिए एक स्क्रब का काम करेंगे। आपको बहुत ही जूम में मैं दिखा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ, कितना बढ़िया छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं इसमें, जिससे कि हमारे फेस पर अगर इसको लगाएंगे ना थोड़ी देर, एक मिनट के लिए अगर मसाज करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया स्क्रब भी हो जाएगा आपके फेस वॉश के साथ साथ, आपका स्क्रब का काम भी ये कर देगा ये फेस वॉश। एक इसकी खामी खूबी ये है कि ये स्क्रब की तरह भी काम करेगा और फेस वॉश की तरह भी काम करेगा, ड्यूअल पर्पस की तरह एक यूज़ आएगा आपको। देखिए इसको आप, मैं मेरे हाथ पर फुल्ली अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ, इसका लैदर कंटेंट भी देखिए, मैं इसको वॉश करके भी आपको दिखा दूंगी। तो इस तरीके से एकदम थिक कंसिस्टेंसी में है, इसका कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम थिक है, और लगाने की देरी देखिए कितना अच्छे से इंटेंसली हमारे स्किन में जाकर सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो उसको अच्छे से रिमूव कर देगा। देखिए इस तरह से एक मिनट तक इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए, इसके माइन्यूट जो पार्टिकल्स थे इसको मैं अभी जूम से आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने छोटे छोटे साल्ट लाइक पार्टिकल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं हमारे स्क्रब पार्टिकल्स, जिससे कि हमारे फेस पर बहुत ही बढ़िया स्क्रब भी हो जाएगा। तो इसको अब मैं वॉश भी करके दिखा दूंगी आपको, देखिए कितना बढ़िया लैदर भी निकल रहा है। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोप्स और फेस वॉशेस से अगर ब्रांडेड भी हो ना तो भी इस लैदर जो है वो ठीक से नहीं निकलेगा, मतलब आपको ऐसे ही लगेगा कि फेस पर डर्ट सारा ऐसे ही जमा हुआ है, मतलब वो ठीक से नहीं निकल रहा। बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको लैदर भी मैं इसीलिए दिखा रही हूँ यहाँ पे, एकदम बहुत ही बढ़िया ग्लोइंग फिनिश आपको देगा ये, एकदम इंटेंसली आपके स्किन में इन्वॉल्व होकर आपके स्किन पर जो भी डेड स्किन है, जो भी डर्ट और पोल्यूशन लगी हुई है आपके स्किन पर, वो स्किन आपके डर्ट और पोल्यूशन को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप देखिए इंस्टेंटली यहाँ पर डिफरेंस भी आपको दिख रहा है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस देखिए आप इंस्टेंटली थोड़ा बहुत डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है ना, बस एक ही बार के यूज़ में थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो सोचिए रिजल्ट्स तो ज़रूर मिलेंगे आपको। तो अगर आप इसका इसको यूज़ करना करने का सोच रहे हैं तो मैं इसको रिकमेंड करती हूँ आपके लिए, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स भी मिलेंगे आपको। ब्लशिंग इफेक्ट तो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, ज़्यादा ब्लशिंग इफेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट ये इंस्टेंट ग्लो देके आपके स्किन को एकदम क्लीन एंड क्लियर कर देगा, मतलब एकदम ग्लोइंग इफेक्ट तो आपके स्किन पर ज़रूर देगा ये। और एक बात मैं बता दूँ कि ये सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, मतलब बोथ ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन के लिए भी सूटेबल है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट सूट होगा ये, और नॉर्मल ऑयली स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए भी सूट होगा, बट बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। तो ये थे मेरा छोटा सा रिव्यू वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आपको ये रिव्यू वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो ना तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, अपना प्यार हमें कमेंट के जरिए ही बताते रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।